सत्यकाल, स्वागत है आप सभी का नेक्स्ट नाइन न्यूज में। मैं हूं आपकी होस्ट सुगंध और आज मैं आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे इस खास प्रोग्राम में, जिसमें हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड एक्टर नाना पाटेकर के बारे में। ये तो आप सभी जानते हैं कि नाना पाटेकर के ऊपर तनुश्री दत्ता आशिक बनाए गर्ल तनुश्री दत्ता ने काफी गंभीर आरोप लगाए हैं, तो वहीं नाना पाटेकर को अब बॉलीवुड से बॉयकॉट करने की भी खबरें सामने आई हैं। वहीं आपको बता दें, नाना पाटेकर के फैंस को एक काफी तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि नाना पाटेकर की फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा है और जब से तनुश्री दत्ता ने नाना पाटेकर के ऊपर आरोप लगाए हैं तभी से हर कोई दंग रह गया। कोई भी इस बात पर यकीन कर ही नहीं पा रहा है कि नाना पाटेकर ने वाकई तनुश्री दत्ता के साथ कुछ ऐसा काम किया। लेकिन आपको बता दें, तनुश्री दत्ता के बयान से अगर देखा जाए, अगर उनके मुताबिक देखा जाए, तो तनुश्री दत्ता के हिसाब से कहा जाता है कि 10 साल पहले, जी हां करीब 10 साल पहले, फिल्म हॉर्न ओके के दौरान नाना पाटेकर ने तनुश्री दत्ता को अजीब तरीके से छूने की कोशिश की थी। हालांकि अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो नाना पाटेकर और तनुश्री दत्ता ही जानते होंगे, लेकिन अब जिस तरीके से नाना पाटेकर काफी ज्यादा चर्चा में बने हुए हैं, उससे फैंस अब नाना पाटेकर के बारे में हर एक चीज जानना चाहते हैं। और आज मैं आप सभी के लिए ये खास प्रोग्राम लेकर आई हूं, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं कि आखिरकार नाना पाटेकर जो इतने सिंपल दिखाई देते हैं, वो कितनी संपत्ति के मालिक हैं। जी हाँ, उन्होंने बॉलीवुड फिल्मों में कई बेहतरीन फिल्में दी हैं और साथ ही साथ एक्टिंग उनकी काफी ज्यादा लाजवाब है। लेकिन आपको बता दें, नाना पाटेकर सामाजिक कार्यों से भी जुड़े हुए हैं और आज हम आपको बताएंगे, इन विवादों के बीच हम आपको बताएंगे कि नाना पाटेकर आखिरकार कितनी संपत्ति के मालिक हैं। तो फिर बिना देरी किए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बॉलीवुड एक्टर नाना पाटेकर, जी हाँ, जो इन दिनों विवादों के चलते काफी ज्यादा चर्चा में बने हुए हैं, ये तो आप सभी जानते हैं कि आशिक बनाया गर्ल तनुश्री दत्ता ने नाना पाटेकर के ऊपर काफी गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि नाना पाटेकर ने उन्हें 10 साल पहले फिल्म हॉर्न ओके के दौरान अजीब तरीके से छूने की कोशिश की थी और साथ ही साथ दुर्व्यवहार भी किया था। वहीं आपको बता दें, आज हम नाना पाटेकर की संपत्ति के बारे में आप सभी को बताने वाले हैं। ये तो आप सभी जानते हैं कि नाना पाटेकर और तनुश्री का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। इस मामले में कौन सही है और कौन गलत, ये तो हमें मालूम नहीं, लेकिन हम आपको बताएंगे कि आखिरकार नाना पाटेकर कितनी संपत्ति के मालिक हैं। जी हाँ, कहा जाता है कि नाना पाटेकर 75 यानी कि 75 करोड़ के संपत्ति के मालिक हैं। नाना पाटेकर मराठा हैं और 1978 से फिल्मों में काम कर रहे हैं। वो अब तक लगभग 360 फिल्मों में काम कर चुके हैं। 36 फिल्में यानी कि 36 फिल्में ऐसी हैं जो किन्हीं कारणों से प्रदर्शित नहीं हो पाई हैं। नाना की संपत्ति लगभग 75 करोड़ यानी कि 75 करोड़ रुपए की बताई जाती है। नाना फिल्मों में जितने बेबाक नजर आते हैं, उतना ही वो असल जिंदगी में भी हैं। वहीं आपको बता दें, बीते ही दिनों नाना पाटेकर ने एक इंटरव्यू के दौरान अपनी निजी जिंदगी के बारे में कई बड़े खुलासे किए थे। जी हाँ, नाना पाटेकर कहते हैं कि व्यक्ति को अपनी जरूरतों के आधार पर ही खर्च करना चाहिए, इसलिए वो लग्जरी लाइफ नहीं जीते। वो अपनी माँ के साथ आज भी 750 स्क्वायर फीट के एक BHK फ्लैट में रहते हैं और इसे भी जरूरत से बड़ा बताते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये फ्लैट उन्होंने 90 के दशक में महज 1.1 यानी कि करीब 1 लाख रुपए के करीब खरीदा था। इसी के साथ आपको बता दें, नाना पाटेकर कहते हैं कि वो फिल्मों में शौक से नहीं बल्कि जरूरत ने उन्हें एक्टर बनाया। यही वजह है कि आज वो सबसे ज्यादा साधारण हैं। उन्होंने फिल्मों में आने से पहले सड़क पर जेब्रा क्रॉसिंग भी पेंट किए हैं। वो अप्लाइड आर्ट में पोस्ट ग्रेजुएट हैं। नाना बेहतरीन स्केच आर्टिस्ट और एक बड़े बड़े केसेज में उन्होंने मुंबई पुलिस की मदद अपनी कला के माध्यम से की है।
इसी के साथ आपको बता दें, बॉलीवुड हमेशा से देश की समस्याओं को रूपहल पर्दे पर दिखाता है, लेकिन नाना ऐसे में जो पर्दे से हटकर भी दिखाते हैं। जी हाँ, आपको बता दें, एक वक्त था जब नाना पाटेकर मराड़, वाड़ा और लातूर के सुखग्रस्त किसानों को उन्होंने सरकार से पहले मदद पहुंचाई थी। लगभग 100 किसान परिवारों को उन्होंने 15,000 रुपए के चेक बांटे थे। वो एक एनजीओ भी किसानों की मदद के लिए चलाते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इन दिनों तनुश्री दत्ता और नाना पाटेकर का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा, तो वहीं आपको बताने कहा जा रहा है कि नाना पाटेकर को बॉलीवुड से बॉयकॉट कर दिया जाएगा, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, नाना पाटेकर अपनी अपकमिंग फिल्म हाउसफुल 4 की शूटिंग में भी काफी ज्यादा व्यस्त थे। लेकिन तनुश्री ने जैसे ही नाना पाटेकर के ऊपर आरोप लगाया, वैसे ही नाना पाटेकर को हाउसफुल 4 से निकाल दिया गया। तो वहीं अब खबर सामने आई है कि नाना पाटेकर की जगह अब फिल्म में अनिल कपूर या फिर संजय दत्त को लिया जाएगा। जी हाँ, इन दिनों नाना पाटेकर काफी ज्यादा परेशान चल रहे हैं। उनके ऊपर काफी ज्यादा गंभीर आरोप लगाए गए 10 साल पहले तनुश्री दत्ता के साथ। कहा जाता है कि उन्होंने काफी अजीब तरीके से उन्हें छूने की कोशिश की थी। अब भाई, ये सारी बातें जब खुल के सामने आई तो नाना पाटेकर को बॉयकॉट कर दिया गया और साथ ही साथ हाउसफुल 4 से भी निकाल दिया गया। वेल, अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि नाना पाटेकर की जगह अनिल कपूर या संजय दत्त में से कौन हाउसफुल 4 में धमाल मचाता हुआ नजर आएगा। Well, दोस्तों, तो देखा आपने कि किस तरीके से नाना पाटेकर के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, तो वहीं आपने देखा कि किस तरीके से नाना पाटेकर, जो इतने सिंपल दिखाई देते हैं, इतने सोबर तरीके से वो रहते हैं, उनके पास कितनी संपत्ति है, वो कितने करोड़ों के मालिक हैं। जी हाँ, ये काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है। हालांकि नाना पाटेकर सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं, गरीबों की मदद भी करते हुए नजर आते हैं, और अब ऐसे में ये यकीन कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है कि आखिरकार नाना पाटेकर ऐसा भी किसी महिला के साथ कर सकते हैं। तो वहीं आपको बता दें, नाना पाटेकर के फैंस इस बात से काफी ज्यादा दुखी हैं कि उन्हें बॉलीवुड से अब बॉयकॉट किया जा रहा है। लेकिन हम यही उम्मीद करेंगे कि जो सच है वो सच सामने आए, और जो इस मामले में झूठा है उसका झूठ पकड़ा जाए। हालांकि हमें भी नहीं पता कि आखिरकार इस मामले में कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है, लेकिन तनुश्री दत्ता का पलड़ा ज़्यादा भारी है। वो जिस तरीके से अपने बयान पर टिकी हुई हैं, और पुलिस भी, और साथ ही साथ पूरा बॉलीवुड उनका सारा बात सुन रहे हैं, और साथ ही साथ उनका सपोर्ट भी करते हुए नजर आए हैं। लेकिन दोस्तों, फिलहाल के लिए दीजिए हमें इजाजत, क्योंकि अब वक्त हो चुका है आप सभी से ही विदा लेने का। पर आप निराश ना होइए, एक बार फिर लौटूंगी इसी प्रोग्राम के साथ, ऐसे ही कुछ दिलचस्प किस्सों के साथ। तब तक के लिए बॉलीवुड की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज को।